हेलो गाइस, आज मेरे पास एक माउस है जिसका केबल यहाँ से क्रैक हो चुका था। तो मैंने सोचा कि जहाँ से ये क्रैक हुआ है वहीं से मैं वापस इसे कॉर्ड के साथ जॉइंट करके इसे यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया और फिर यूज़ करने गया तो मुझे पता चला कि ये एक्चुअली दूसरी जगह से भी क्रैक हो चुका है, इस जगह से। और इस जगह से क्रैक होने के पर ये माउस एक्चुअली वर्क नहीं कर रहा था। तो अगर यहाँ से मैं कट करके फिर इसे यूज़ करूँगा तो मेरे पास इतनी शॉर्ट लेंथ का केबल बच जाएगा और फिर ये फिर यूज़ करने में मज़ा नहीं आएगा। तो फिर मैंने सोचा कि इसको चलो क्यों हम एक नए केबल से चेंज कर दें। तो मैं इसे अब केबल चेंज करने वाला हूँ और मेरे पास पहले से ही एक एप्पल का जो केबल था वो पड़ा हुआ था, तो मैंने उसे कट करके पहले से इस तरह से वायर्स को रेडी करके रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, पहले माउस को खोल लेते हैं और देखते हैं उसके अंदर कनेक्टर्स जॉइंट्स कैसे। साथ ही में हम एक तरफ आयरन भी स्टार्ट कर देंगे ताकि वो हीट होते रहे जब तक हम माउस को ओपन कर लें। यहाँ पर एक स्क्रू है, इसे खोलते ही आप इजीली माउस को ओपन कर सकते हो। कुछ इस तरह से माउस आपका खुल जाएगा और अंदर का ये सर्किट एक्सपोज हो जाएगा। सर्किट भी इजीली, कोई स्क्रू नहीं है, सिर्फ लॉक्स पे होती है, इसलिए आप उसे ऐसा करके रिमूव कर सकते हो और व्हील को आप ऐसे निकाल सकते हो और साइड पे रख देंगे व्हील को। और कुछ इस तरह के अंदर कनेक्शन है दोस्तों, जैसा कि यूएसबी कनेक्टर्स के जो पॉइंट्स होते हैं उसमें रेड प्लस होता है, ब्लैक माइनस होता है, ग्रीन डेटा प्लस होता है और वाइट जो है डेटा माइनस होता है। लेकिन ये जो माउस के कंट्रोलर है दोस्तों, माउस कंट्रोलर जो है उसका कनेक्टर के अंदर आप कलर कोडिंग के हिसाब से उसे कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे रेड रेड के साथ, ग्रीन ग्रीन के साथ, वाइट वाइट के साथ और ब्लू ब्लैक के साथ हम कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके कलर कोडिंग्स अलग है और जो अंदर डेटा या फिर जो वोल्टेज है वो सब अलग कलर से यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो नीचे वाइट कलर का है दोस्तों, उसमें वी लिखा हुआ है तो वो है वोल्टेज प्लस का, और उसके ऊपर ब्लू कलर के वायर के सामने लिखा हुआ है जी जो है ग्राउंड, यानी कि वोल्टेज माइनस भी आप कह सकते हो। और उसके ऊपर है डी ग्रीन कलर के सामने जो कि है डेटा प्लस, और लिखा हुआ है सी रेड कलर के सामने जो कि है डेटा माइनस। तो हमें इसी तरह से ये जो कॉर्ड है उसे हम कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले ये जो वायर है हम उसे निकाल लेंगे, पीछे की तरफ जो सोल्डरिंग पॉइंट लगे हुए हैं उसे हम इजीली हीट करके सोल्डरिंग आयर से निकाल लेंगे। ऐसे आप इसे वायर को पीछे से पकड़िए और ऊपर से सोल्डरिंग पॉइंट्स हीट कीजिए और नीचे की तरफ से इसे खींचिए। तो इजीली आपका ये पॉइंट्स अब निकल जाएंगे। और जैसा कि ये पॉइंट्स यहाँ से होल के अंदर से थ्रू किया गया था तो उसी तरह से भी हम वापस इसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स इसके सब साफ कर लेंगे ताकि हमें होल्स क्लियर मिल जाए। जैसा कि देख रहे हो आप लोग, होल्स एकदम क्लियर हो चुके हैं, पीछे की तरफ सब दिख रहा है। तो चलिए अब हम इसे कनेक्ट करते हैं नए वायर के साथ। तो सबसे पहले नए वायर के साथ कनेक्ट करने के लिए दोस्तों, आपको जो वी लिखा है यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट आपको कनेक्ट करना होगा। तो वी के साथ हमारा जाएगा रेड कलर का वायर जो कि है पॉजिटिव 5 वोल्ट का पॉजिटिव, तो उसे होल के थ्रू डाल के पीछे की तरफ हम उसे सोल्ड कर लेंगे। अभी मैं दोस्तों टेम्पररी सोल्ड करके आपको दिखा रहा हूँ, फिर सब वायर जो अच्छे से होल थ्रू सोल्ड हो जाएंगे तो मैं इसे
फुल एंड फाइनल सोल्डरिंग कर दूंगा। ये हो गया सोल्ड टेम्पररली। अब जैसा कि दूसरा वायर था ब्लैक, वो था हमारा नेगेटिव, तो वो डालेंगे हम जी जो कि ग्राउंड है उसके थ्रू और पीछे की तरफ फिर इसे सोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े वायर दोस्तों कम छिले हुए हैं ताकि ये अच्छे से घुस जाए अंदर और पीछे की तरफ ज़्यादा बाहर आने के लिए। बट दोस्तों जब भी आप उसे सोल्डरिंग करते हो तभी वायर थोड़ा ज़्यादा ही छिलेगा ताकि आपको इजी हो इसे सोल्डरिंग करने में और इसको काम करने में आसानी हो। अब जो दूसरा पॉइंट है वो डी है, मीन्स डेटा प्लस का, तो वहाँ में हम यूज़ करेंगे ग्रीन वायर जो कि है डेटा प्लस का। वायर अगर आप होल के थ्रू नहीं डाल पा रहे हो तो उसे अच्छे से ट्विस्ट कर लीजिए ताकि सब वायर एक साथ कनेक्ट हो जाए और होल के अंदर आराम से चले जाए। और लास्ट में बचता है वाइट कलर का वायर जो कि है माइनस डेटा का, उसे भी अच्छे से हम ट्विस्ट कर लेंगे। और ग्रीन कलर का वायर थोड़ा नहीं हुआ अच्छे से सोल्डरिंग, तो उसे फिर निकाल के हम इसलिए मैं कह रहा था दोस्तों कि अगर आप काम करना हो इजीली तो आप इसे वायर को थोड़ा ज़्यादा ही छील लीजिएगा और छीलते समय ये भी ध्यान रखिएगा कि वायर के जो पॉइंट्स हैं वो सभी सही सलामत रहे। अगर उसमें से कोई पॉइंट्स टूट गया होगा तो दोस्तों आपको डालने में होल्स के थ्रू थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और अच्छे से वायर को ट्विस्ट कर लीजिएगा चलिए अब करते हैं लास्ट वायर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे टेम्पररी सब भी अच्छे से सोल्डरिंग हो चुका है, तो अभी इसे मैं फाइनल कर दूंगा। सोल्डरिंग वायर को एक हाथ में लेंगे और इस तरह से आप उसे फाइनल टच कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये हो चुका है फाइनल टच, तो अभी हम इसे कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप के साथ और देखेंगे कि वर्क कर रहा है नहीं। तो पहले इसे हम हब में रखेंगे माउस के और ध्यान रहे कि आप इसे व्हील कनेक्ट कर लें ताकि आप व्हील भी इसे चेक कर पाए। चलिए
पहले तो हो गया ये हब में फिट, और इसे हम करेंगे लैब के साथ कनेक्ट और देखेंगे कि ये चल रहा है या नहीं। पॉइंट कनेक्ट करते हैं, देखिए एलईडी लाइट तो जल चुकी है। अब माउस को यूज करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं। नहीं दोस्तों, लगता है शायद पॉइंट्स अच्छे से कनेक्ट नहीं हुए हैं डेटा के, क्योंकि एलईडी लाइट्स जो है वो अच्छे से जल रही है। इट मीन्स के जो पावर कनेक्टर्स है वो अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन डेटा कनेक्टर जो है वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से लग रहा है कि जो ग्रीन कलर का वायर है वो अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाया है, तो हम उसे फिर से अच्छे से सोल्ड कर लेंगे ग्रीन वायर को। चलिए फिर ग्रीन वायर को अच्छे से फिर से सोल्ड करते हैं और देखते हैं चलता है या नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको दोस्तों कहा था कि ये पॉइंट्स अच्छे से सोल्डर नहीं हुए थे, तो मैंने इसे अच्छे से सोल्ड करके अब फिक्स कर दिया है हमारा माउस, जो कि पहले नहीं चल रहा था सोल्डरिंग की वजह से। और जैसा कि मैंने दोस्तों कहा था कि आप जब भी काम करो तो भी ये पॉइंट्स के वायर जो है अच्छे से लंबे छील लें, ताकि आपको इजीली काम करने में आसानी हो। और मेरा जो ये सोल्डरिंग पॉइंट कनेक्ट नहीं हुआ था वो इसी की वजह से कनेक्ट नहीं हुआ था कि मैंने इसे कम छीला था। तो अभी ये मैंने फिक्स कर दिया है, तो अब कनेक्ट करके देखते हैं इसको। तो जैसा कि आप माउस पॉइंटर देख पा रहे हैं अच्छे से वर्क कर रहा है। जैसे कि माउस अच्छे से वर्क कर रहा था, तो चलिए दोस्तों अभी से हम पैक कर लेते हैं। पहले माउंट से सर्किट निकाल लेंगे वायर को फिक्स रखने के लिए। कुछ इस तरह से वायर फिक्स कर लीजिए ताकि ये अपनी पोजीशन से हिले ना। अब इसका कवर लेंगे हम। वर्किंग फाइन विद द कवर। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपके ज़रिए ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी ये पता चले कि अगर हम लोगों को ये केबल अगर चेंज करना हो तो कुछ इस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं और माउस को रीयूज़ कर सकते हैं फेंकने की बजाय। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, दीपेश पटेल नाम है चैनल का। तो इसी तरह के वीडियोस आपको आगे भी जब मैं अपलोड करूं तो आपको अपडेट्स मिलते रहें, और हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो है मेरे अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए।